स्वागत है दोस्तों। आज एक खबर अपडेट हुई है आज तक की वेबसाइट पे। खबर दोस्तों एसएससी से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसएससी में बड़े पैमाने पर जो धांधली चल रही है दोस्तों, उसमें से छोटी सी एक गिरफ्तारी हुई है आज दोस्तों। एसएससी परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग का पर्दाफाश, चार लोग गिरफ्तार। ऐसी दोस्तों एक खबर आई हुई है आज तक की वेबसाइट पर, आप भी जा करके इसे पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ आखिर क्या है दोस्तों। इन चार लोगों को देख रहे हैं आप लोग, ये चार लोग वो लोग हैं दोस्तों जो एसएससी में धांधली करते हैं और पेपरों के नाम पे नकल कराते हैं दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैं जल्दी से आप लोगों को पढ़ देता हूँ दोस्तों। यूपी पुलिस ने एसएससी की परीक्षा में पैसे लेकर पास कराने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए दिल्ली के गांधी विहार से एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में ऑनलाइन नकल कराते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से दो हरियाणा, एक दिल्ली और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से 50 लाख रुपए, लैपटॉप, हार्ड डिस्क बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये आरोपी लाखों रुपए में एसएससी के सभी परीक्षाएं पास कराने का ठेका लेते थे। परीक्षा में सेंध करने के लिए यह गैंग टीम व्यूअर ऐप के जरिए एसएससी की परीक्षा में प्रश्नों को हल कराते थे। पुलिस ने इस गैंग के खिलाफ तिमारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि 50 लाख रुपए इनके पास कैश था और दोस्तों ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स वो यूज करते थे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये अच्छी सफलता इसे कहा जा सकता है। पर दोस्तों ऐसे अभी तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ये छोटी सी लिंक है, और भी लिंक को पकड़ना है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये नकल की घटनाएं सामने आ रही हैं और जो बच्चे मेहनत करके अपनी तैयारी करते हैं उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ में लगती है। आगे क्या लिखा है मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ दोस्तों। उससे यहाँ पे लिखा हुआ है, पुलिस के मुताबिक यह गैंग एसएससी के हर एग्ज़ाम में 100 से 150 विद्यार्थियों को नकल करवा रहे थे दोस्तों। गिरफ्तार हुए आरोपियों का नाम अजय, पारस, गौरव और सोनू बताया जा रहा है। इनके पास से लैपटॉप, 10 फ़ोन, लगभग 50 लाख रुपए, 3 गाड़ियां, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और अन्य कागजात बरामद हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि मैंने भी अभी भी पढ़ा है कि 100 से 150 बच्चे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप बिल्कुल ही, मतलब चार लोग जब दोस्तों 100 से 150 बच्चों का ये ग्रुप बना करके नकल कराते हैं, तो दोस्तों ओवरऑल अगर वैकेंसी की बात करें तो मुश्किल से 5000 तो वैकेंसी ही थी। अगर चार लोग 100 से 150 बच्चों को पास करा सकते हैं तो आप देख सकते हैं पूरे देश में जितने भी जाने वाले हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जितने लोग भी सिलेक्ट होते हैं तो दोस्तों वो सारे के सारे जुगाड़ वाले ही हो सकते हैं। क्योंकि अगर चार कैंडिडेट 100 से 150 लोगों को पेपर पास करवा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है एसएससी में जो ये कामयाबी छोटी सी मिली है इसमें कितना अच्छा है, और आप लोगों को क्या लगता है ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सब बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट खबर है आप लोगों तक बिना किसी रुकावट के पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।